आमे बर्तमान अच्छु मजनू का टीला नूआदिल्ली आईएसबीटी पाखे जोटी अनेक शरणार्थी रही पाकिस्तान आसिक बसी अनेक समस्या से रही केवल आधार कार्ड बनी वर्तमान पर्यंत से पाखे राशन कार्ड ना इलेक्ट्रिफिकेशन ना अंधार से राति कटौं तार देखिए केवल जेनेटर अच्छी से पाखे अनेक समस्या रही कि लोक रही गाई पालुं निजर गुजराण मेटापी कि लोक काम कर केवल आधार कार्ड से बनी अपेक्षा रही के नागरिकता मिल नागरिकता मिले से निश्चित भाव सिटीजन जिते भारत अनेक लाभ मिल पार आपको अपेक्षा होगा कि कब आपको सिटीजनशिप मिलेगा यहाँ पे। अभी देखो सीए जो बिल पास हुआ था अब उसी के इंतज़ार में परिवार सारे जो 600 हैं वो बेचैन हैं। जब ऑर्डर मिले तो हम अपने जो पेपर हैं जमा करवाएं, ठीक है। और रही बात पाकिस्तान के, तो हालत इतने ख़राब हो चुके हैं जिसका हम कह नहीं सकते हैं। और सारी दुनिया को पता है कि वहाँ के हालत क्या हैं। अब हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जैसे कैंप में बहुत समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, जैसे बीमारी की है दवाई, जैसे बेरोज़गारी है और मच्छरों से बहुत दिक्कत है, मलेरिया वगैरह, बिजली है ही नहीं, बड़ी दिक्कत है बिजली की है, बहुत समस्या बिजली के, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे रोटी बना नहीं पा रहे हैं बिजली के बिगैर क्या होता, कुछ भी नहीं हो रहा। और हालत रात के समय रोड के ऊपर सारे बच्चे सोते हैं। अच्छा। और इतना डर रहता है जैसे कहो कोई गाड़ी जो ऊपर चढ़े तो बहुत खतरा है। अब हम सरकार से भी, ये राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी हम प्रार्थना हाथ जोड़ के कहते हैं कि टेम्परेली बिजली दी जाए, जिसका बिल भी हम देंगे। पानी भी चाहिए, पानी भी तो है। हाँ नहीं, पानी है ठीक है, पानी साफ़ नहीं है, पानी है साफ नहीं है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि टेम्परेली बिजली दी जाए, जिससे मीटर लगाया जाए, हम बिल देंगे। जिससे प्रॉब्लम है, जो कुछ लोग बुजुर्ग थे 10-15, उनकी बिजली के बिगैर बीमारी के कारण मृत्यु भी हो चुकी है, मगर कहें तो किसे कहें, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला है ही नहीं। और जैसे अब कोरोना काल में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, कोई रोज़गार नहीं तो हालत गंभीर है, अब क्या किया जाए। जो लोग वहाँ पे और भी आपका फैमिली से रह गए हैं वो किस हालत में है, अभी कुछ जानकारी है आपके पास? पाकिस्तान में हाँ, वहाँ के हालत बहुत गंभीर हैं। और पाकिस्तान में जितने हैं उनके साथ ज़बरदस्त किया जा रहा है, उन्होंने अपने सब कुछ जैसे जेवर वगैरह बेच के पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मगर बॉर्डर बंद होने के कारण वो आ नहीं पा रहे हैं। और पासपोर्ट की डेटा भी ख़त्म होती जा रही है। अब वो उनका भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप तो स्वर्ग लोक में चले गए, हम नरक में पड़े हैं, ईश्वर से प्रार्थना करो तो हम भी निकल आएँ। और वहाँ का धर्म परिवर्तन इनका लक्ष्य है भाई, हिंदुओं को इस्लाम पे लाना 100 हज का फल है, वो ये चाहते हैं। तो इस कारण से धर्म परिवर्तन का वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर है, मगर लोग हिंदू वहाँ बेसहारा है, कोई सहारा नहीं है। और एक डिक्लेयर हुआ है अभी, जैसे सीए कानून लाया गया था और 2-4 महीने में उसका इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, आपको सबको मिलेगा, एक राहत की खबर है आपके लिए। एक और एक बात मोदी जी ने बोले हैं 2 दिन पहले, 14 अगस्त को आज़ादी के विभाजन बीबीसी का डे, जो लोग मरे थे, जो परिवार लोग खो गए थे, उनको रिमेम्बर के लिए, उनको याद करने के लिए एक डे मनाया जाएगा हर साल, इसी साल से उनका शुरुआत किए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो बंटवारे के समय कत्लेआम हुआ था, लोगों को इतना काटा गया था, हर आदमी के माँ बाप कटे थे, उनको भी पता नहीं था कितना मारे गए। मगर जो ये लिया है, जो मोदी जी ने ये लिया, बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छा लिया है, जिससे ये है आदमी को देख शहीद हो जाते हैं, उनका दिन मनाते हैं तो एक सुख परिवारों को मिलता है कि भाई हमारे बेटे के लिए है ना सरकार और दरबार कुछ कर रहे हैं। इस तरह से ये जो समय रखा बहुत अच्छा है, सब शरणार्थी परिवारों के
ये नहीं है। अब हमारे दादा परदादा को भी उस टाइम पे मारा गया था, तो ये दिन जैसे रखा गया है उससे तो शांति ही होगी भाई हमारे। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि काल को अगर पाकिस्तान भी 15 अगस्त को जिस दिन हम आज़ादी के दिन मनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोले जैसे कि पी चिदम्बरम है, होम मिनिस्टर पुराना हमारा, वो बोल रहे हैं कि अगर उसी दिन को हॉरर डे मनाएगा पाकिस्तान, मतलब डरावना दिन, तो उसके ऊपर हमको क्या कहना है, पाकिस्तान क्या बनेगा वो उसके ऊपर कि हम जोर देना जरूरी है। देखो सनातन धर्म और जो भारत के हैं उसे भारत माता की ही बात करनी चाहिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए उससे क्या लेना है, उससे कोई संबंध थोड़ी है। वो तो आतंकवाद के निशाने पे खड़ा है, वो खुद पाल रहा है, उसकी तो आज नहीं, जो चोर है आज नहीं कल नहीं पकड़ा जाएगा, हम उसका जिक्र क्यों करें। हम भारत माता में रहते हैं, हम भारत माता की बात करेंगे, उसी के पक्ष में रहेंगे, उसी के हक में रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म हमारे हिंदू भाई है। हम जो होम मिनिस्ट्री जो ये कहते हैं ना, देखो ये गलत, वो कुछ भी करें उनसे कुछ नहीं लेना, हमें यहाँ की बात चलानी है। वो तो हर प्रकार कहते हैं, हम तो साफ हैं, हमने तो कोई फैमिली को पहले देखना चाहिए, दूसरी हाँ पहले भारत के जो हैं वो देखना चाहिए, उसके बाद बाहर की बात करें। बाहर तो अपने नहीं है ना, वो कितने हजारों लाखों लाखों आदमियों को उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, मार दिया है, भगा दिए हैं, गाड़ दिए हैं ज़मीन में, उनके लिए तो कोई बोलता ही नहीं है। हम शरणार्थी पर हमारी ज़मीन है, जायदाद सब त्याग छोड़ के आ गए, हमें तो किसी ऐसे ने नहीं कहा कि भाई इनके लिए हक की बात करें, इनके लिए पानी का व्यवस्था करें, इनके लिए बिजली की करें, ये तो कोई बात कह ही नहीं रहा है। जो कह रहे हैं उनके पीछे पड़े हैं, भैया आप क्यों कह रहे हो, आप क्यों कह रहे हो। भाई देखो ना, 72 सालों से शरणार्थी परिवारों को हक नहीं मिल रहा था, सीए बिल हुआ है पास, इससे इन परिवारों को जान आ गई है कि हमारे गले की जगह है, उन लोगों को हमारे गले की फांसी निकल जाएगी, हम भी भारत माता के सपूत बन जाएंगे, हम बच्चे हैं भारत माता के, तो ये तो हुआ। और ये भी ना हो पाता तो कहते भाई हमारे यहाँ कोई नहीं है, यहाँ हमारा कोई नहीं, इसी डर डर से आदमी जी भी नहीं पाते। मगर सरकार है जो, जैसे देखो हम और आप और सबको ये सोचना चाहिए, क्या भाई राम जन्म भूमि राम मंदिर बनना है क्या बुरा है, सनातन धर्म के लिए तो बना ना। जो मुसलमान जो हैं अल्पसंख्या जो है उन भी तोड़फोड़ तो होता है मंदिर मंदिर को भाई, जब 1992 6 दिसंबर को 450 मंदिर को तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला दिया था पाकिस्तान में, बोला हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़ा इंडिया में। कश्मीर का कोई मुद्दा खड़ा होता है तो वहाँ के लोगों को मार पीटना लूटना उनका पेशा है धर्म है, वो वहाँ शुरू हो जाता। यहाँ कोई भी मुद्दा खड़ा होगा ना, यहाँ पे तिल भर का होगा, यहाँ तिल भर का होगा वहाँ पहाड़ का वो करेंगे, इतना वो बदला लेते हैं हिंदुओं के साथ। अब देखो इस बात को, ये तो छुपी हुई बात नहीं है, सारे संसार को पता, विदेशों के ऊपर भी चर्चा आलोचना होनी चाहिए आपकी मदद। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो सनातनी होगा, जो भारत माता का बेटा होगा, इस विषय में बात करेगा, जो भारत का नहीं है वो तो फिर तो उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी कहे उसको क्या कहना। थैंक यू धर्मवीर जी। आप शुणुले धर्मवीर जे कि ये रोचान, अनेक समस्या रही, अनेक कथा रही, भावगंभीर हो जाते से आम सहित कथा होगा बेले निश्चित भाव, जे भारत सन्तान सी निश्चित भाव भारत कथा कहवा उचित बोली से आमको प्रतिक्रिय नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन नीरज सहित गगन अरगस न्यूज़।